हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं आर्क सर्वाइवल के एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम इस एपिसोड में करने वाले हैं डियोडॉन को टेम। और गाइस, डियोडॉन डंजन से हम लाए थे इम्प्लांट उसका, और उसको ही रिवाइव करेंगे। उसकी बहुत सारी सीक्रेट एबिलिटी भी हैं। वो हमारे जो टेम डाइनो है, टेम्ड, उनकी हेल्थ भी बढ़ा सकता है। अगर उनकी हेल्थ कम होगी तो उसकी इनेबल पैसिव हीलिंग ऑन कर देंगे, तो अपने डाइनो की हेल्थ भी बढ़ जाएगी। और गाइस, ये रहा उसका इम्प्लांट डियोडॉन का, 280 लेवल का है, और उसका मैं सैडल भी बना लिया हूँ। और सूथिंग बाम ले लेते हैं इससे, वॉल्ट से, और फिर चलते हैं उसको रिवाइव करते हैं। सूथिंग बाम ये रहा है और ले लेते हैं। हमारे सूथिंग बाम भी ख़त्म होने वाले हैं, अब चार ही बचे हैं, और चलते हैं रिवाइव करते हैं उसको। और गाइस, मैं ट्रैंकुलाइजर डार्ट लाया ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नूबड़ा हूँ, ट्रैंकुलाइजर डार्ट लाया ही नहीं, उसको नॉक कैसे करेंगे। ट्रैंकुलाइजर डार्ट ले लेते हैं, शायद इसमें है, नहीं है इसमें, इसी वॉल से ले लेते हैं, 450 में हो जाएगा आराम से नॉक। चलते हैं अब। और उसको रिवाइव करते हैं। और ये आ रहा है हमारा डियोडॉन, को हम अपने वहाँ पिग बोलते हैं, पिग। ये पिग आ गया, और ये आते ही पता नहीं क्या कर रहा है, इसको नॉक करते हैं। ये हीलिंग कर रहा है अपने आप, इसको जितना भी डैमेज पड़ेगा ये ऑटोमेटिक हील कर लेगा, बहुत जल्दी हील करता है ये। मैं फंस गया यहीं पे, गेट भी बंद हो गया, और ये अब मारेगा मेरे को, मार रहा है। अरे निकलने दे मेरे को, नहीं निकलने दे रहा ये। अब आ गए बाहर, बच गए। इतना ज़्यादा भाग रहा है, इसको डार्ट भी नहीं लग पा रहा सही से। और ये देखो हीलिंग कैसे कर रहा है, इसकी हेल्थ कैसे बढ़ रही है, तगड़े से हेल्थ बढ़ रही है इसकी। और फिर से गेट बंद हो गया, और फिर से मेरे को फंसा दिया अंदर ही। कितनी और ज़्यादा डांट खाएगा ये। अब शायद इसका अनकॉन्शियस बढ़ गया है, भागने लगा ये। अब ये ज़्यादा ज़्यादा 4-5 डांट में अनकॉन्शियस हो जाएगा। और इसका अनकॉन्शियस लेवल बस होने वाला है, एक डार्ट और लगेगा हो जाएगा ये, और ये अनकॉन्शियस हो गया। और इतनी देर के बाद ये अनकॉन्शियस हो गया। इसका 100% है टेमिंग इफेक्टिवनेस। इसका फूड तो कम हो गया है, जब हील करता है तब इसका फूड कम हो जाता है। अब इसको मीट भी देंगे तो मीट से भी आराम से टेम हो जाएगा। और ये यहाँ पे चीप स्टेशन नहीं लग रहा है, बाहर लगाते हैं। और ये इग्वाना डॉन का केबल खाता है, इग्वाना डॉन का केबल इसमें से बाई कर लेते हैं। कहाँ पे है इग्वाना डॉन का केबल, ये रहा इग्वाना डॉन का, इसको बाई करते हैं और पिकअप कर लेते हैं। अब देते हैं इसको शूटिंग वाम और केबल, और ये दो केबल में हो गया टेम हमारा डियोडॉन, केवल दो केबल में हो गया टेम। अब इसको सैडल दे देते हैं, सैडल लग चुका है, इसको बाहर ले चलते हैं। और ये बेरीज भी कलेक्ट करता है, और स्वाइप अटैक से ये डाइनो का हेल्थ हील कर देता है। ये देखो आरजी के ऊपर हीलिंग इफेक्ट आ रहा था अभी, ये जब आप करेंगे तो आपके डाइनो जो पास में होंगे उनको हील कर देगा।
इसको स्टॉप कर देते हैं। और गाइस यहाँ पे है इनेबल पैसिव हीलिंग, ये इसको इनेबल कर देंगे तो ये आपके डाइनो जो पास में होंगे उनको हील करता रहेगा। हमारी आरजी की हेल्थ फुल है इसलिए इसको नहीं हील कर पा रहा है। इसका गोल्ड कॉलर निकाल देते हैं, इससे इसका हेल्थ कम हो जाएगा। अब इसका हेल्थ कम हो गया, अब देखना डिओडॉन हील करेगा इसको। हील क्यों नहीं कर रहा है, इसको ऑन ऑफ कर देते हैं। अब ऑन करते हैं इसको, अभी नहीं वर्क कर रहा, अभी देखते हैं। ये अब किया वर्क, और ये देखो आरजी पे हीलिंग इफेक्ट आ रहा है और आरजी की हेल्थ बहुत जल्दी बढ़ रही है। गाइस डिओडॉन इस तरह से आपके डाइनो को भी हील कर सकता है, बहुत तगड़ा हीलिंग इफेक्ट देता है ये। एनिमेशन बहुत तगड़ा है इसका, और ये हमारी आरजी को भी हील कर देगा थोड़ी देर में, और ये जस्ट होने ही वाली है हील। और आरजी की हेल्थ फुल हो गई, और ये जब हील करता है तो ये फूड ज़्यादा खाता है, तो इसका फूड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आज हमने ये डिओडॉन को टेम कर लिया। तो गाइस आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।